हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 4 जून 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत शानदार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर, जो कि कुछ दिन पहले ही बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया। आज की डेट पे फाइनली उस बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दिया। तो देखिए, मल्टीबैगर स्मॉल कैप स्टॉक फिक्स रिकॉर्ड डेट फॉर 1:2 रेशियो बोनस। तो चलिए सबसे पहले कंपनी का नाम मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का नाम है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली एक बिरला ग्रुप का कंपनी है। मार्केट कैप वाइज अगर हम बात करें, करीबन 1317 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो बोनस का थोड़ा रेशियो आपको मैं समझा देता हूँ। 1:2 रेशियो मतलब आपके पास अगर कंपनी का 2 शेयर है, उसके साथ आपको 1 बोनस मिलेगा। मतलब वही 2 शेयर एग्जीक्यूशन के बाद टोटल 3 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर 4 है तो बोनस ऐड करने के बाद वो 6 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा शेयर के ऊपर बातचीत करेंगे। एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, जो कि लास्ट डे 5% की अपर सर्किट पर हमें देखने को मिला। लास्ट 1 महीने पे शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, बट 6 महीने पे दोस्तों 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और 1 साल का रिटर्न अगर मैं ओपन करूँ, आप शॉक्ड हो जाओगे। 1 साल में ये शेयर दिया करीबन 700% का रिटर्न, वो भी मार्केट लास्ट 6-7 महीने से इतना गिरा हुआ है। बट हाँ, साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, कंपनी छोटा कंपनी है। करीबन 1300 करोड़ के ऊपर इसका टोटल मार्केट कैप है। पी रेशियो अगर हम बात करें, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ठाक आप बोल सकते हो। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, लास्ट जब क्वार्टर का रिजल्ट आउट हुआ था, मतलब मार्च क्वार्टर रिजल्ट, जो कि कंपनी का दोस्तों बहुत ही शानदार आया था। देखिए, रेवेन्यू के अंदर थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं, बट कंपनी इतना शानदार मार्जिन को रखा, इतना शानदार मार्जिन को मैनेज किया, जिस वजह से हमने देखा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर करीबन 80% की जंप, साथ साथ जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी 72% का जंप, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 86% की जंप हमें साफ साफ देखने को मिला। तो कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए सही कंपनी है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि छोटा कंपनी है, जिस वजह से आगे पीछे 10 बार सोचिए, खुद एनालाइज करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। अच्छा, इसका रिकॉर्ड डेट भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ही कंपनी यहाँ पे मेंशन किया, कंपनी का रिकॉर्ड डेट है, मतलब ये बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट रखा गया 4 जुलाई 2022। मतलब बीच में अभी बहुत टाइम है, पूरा जून का महीना बाकी है, आप इस आराम से खरीद सकते हो, तभी जाके आप यहाँ पे एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे बोनस पाने के लिए। तो दोस्तों, मेरे लिस्ट में नेक्स्ट अपडेट है इंफोसिस लिमिटेड, जो कि लास्ट टाइम ने देखा था शेयर शुरू में काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था, इवन 1550 के ऊपर शेयर पहुंच गया था। उसके बाद मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें कमजोरी देखने को मिला, जिस वजह से देखिए शेयर थोड़ा बहुत नीचे आके ऑलमोस्ट 2% नीचे आया, एंड क्लोजिंग किया करीबन 1% जंप लगा के, या बोल सकते हैं 1% ऊपर पॉजिटिव में। तो इन्फोसिस के अंदर दोस्तों काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा, 1500 रुपये का लेवल। तो खैर, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये सिर्फ अकेले इन्फोसिस नहीं, साथ साथ यहाँ पे TCS भी शामिल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूज़ का अपडेट है आज के दिन 4 जून 2022 को। तो न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है, वर्क फ्रॉम होम एंड्स, हेयर इज़ हाउ TCS इन्फोसिस प्लान टू इम्प्लीमेंट हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्किंग फॉर एम्प्लॉयज़। ये हाइब्रिड मॉडल मुझे बहुत ही गंदा लगता है, मतलब जो लोग यहाँ पे IT सेक्टर में काम करते हैं वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल मतलब एक हो गया आपका पूरा ऑफिस में जाके काम करना, दूसरा हो गया यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम। अब हाइब्रिड मतलब यहाँ पे 3 दिन आपको ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा, या बाकी 3 दिन यहाँ पे घर में बैठ के काम करना पड़ेगा, या तो ऑफिस में जाओ या तो घर में बैठो, ये अलग अलग बात, सीधी सी बात एकदम ठीक ठाक है। हाइब्रिड मतलब यहाँ पे 3 दिन ऑफिस 3 दिन घर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वही प्रोसेस में यहाँ पे कंपनी मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको काम करने के लिए यहाँ पे जो कि लेटर वेटर भेजा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो TCS यहाँ पे ईमेल भी कर दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को इस हाइब्रिड मॉडल में काम करने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत जल्दी इसको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करता हुआ नजर आया। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर हम एक कंपनीज़ की नज़र से देखा जाए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एकदम सही है, बट हाँ, एक एम्प्लॉयज़ की नज़र से देखा जाए ये बहुत ही, आप बोल सकते हो, इरीटेटिंग है एक काम करने का प्रोसेस। एनीवे, वो अलग बात होगा, वो कंपनी का मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट होगा। हम बात करेंगे शेयर के ऊपर। इन्फोसिस के अंदर अगर हम बात करें, जब कुछ दिन पहले हमने शेयर के अंदर गिरावट हुआ था, शेयर करीबन 1400 तक पहुंच गया था, तो नीचे की तरफ 200 डाउन साइड इसका लिमिटेड है। अब देखिए, धीरे धीरे जब शेयर के अंदर जंप देखने को मिला या रिकवरी देखने को मिला, तो देखिए एक बार में नहीं हुआ, शेयर पहले 1500 के ऊपर आया, बीच बीच में थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा था, उसके बाद देखिए फिर से हमें जंप देखने को मिला। बट हाँ, साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि इस बार दोस्तों जून का महीने पे रेपो रेट इंक्रीज हो सकता है, उसके साथ साथ अगस्त के महीने पे भी रेपो रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, RBI की जो आज की डेट में स्टेटमेंट आया है, और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, जिस वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो सकता है, जिस वजह से आपको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए पहले से ही। अब देखिए, कंपनी खराब कंपनी नहीं है, तो जितना हो सके डिप्स में उठाते जाइए, आखिरकार लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देगा।
तो दोस्तों हमारे इस पर नेक्स्ट अपडेट है LIC। LIC के लिए मंडे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। LIC का चार्ट मतलब यहाँ पे जो शेयर प्राइस है लास्ट डे इतना खतरनाक लेवल पे क्लोजिंग गया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो LIC जो कि अपना 52 वीक्स लो या बोल सकते हो कि ऑल टाइम लो टच किया लास्ट डे 800 रुपये पे। क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 800 रुपये 45 पैसे पे। अब ध्यान से सुनना, जो कि आज के दिन में स्टेटमेंट आया है कि RBI ने मई के महीने पे जैसे रेपो रेट हाइक किया था, ठीक वैसे जून के फर्स्ट वीक में मतलब अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे फिर से दोस्तों यहाँ पे जो कि यहाँ पे कमिटी का मीटिंग होगा उसके साथ साथ रेपो रेट हाइक किया जाएगा। ठीक वही सेम चीज़ आपको अगस्त के महीने पे भी देखने को मिलेगा, जिस वजह से दोस्तों मार्केट के अंदर फिर से बियर मार्केट डोमिनेट कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ मंडे के दिन फिर से मार्केट एक छोटा मोटा करेक्शन या क्रैश होने का चांस है, उस केस में LIC का जो यहाँ पे लेवल मतलब आज के रेट निकल कर है 800 रुपये का लेवल, वो ब्रेक करके काफ़ी नीचे तक आ सकता है। इवन हमने कुछ दिन पहले भी देखा था शेयर एकदम से नहीं गिरा था, जब देखिए शेयर इसके पहले भी 800 तक आया था, करीबन 810-11 के आसपास सपोर्ट मिला था, फिर ऊपर की तरफ बढ़ा, ऑलमोस्ट 835-40 तक शेयर पहुंचा, फिर से देखिए शेयर के अंदर अभी गिरावट देखने को मिला और लास्ट डे दोस्तों एकदम बॉर्डर लाइन पे शेयर क्लोजिंग दिया। कुछ दिन पहले कंपनी का रिजल्ट भी आउट हुआ था, रिजल्ट दोस्तों कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया ऑब्वियसली, उसके साथ साथ कंपनी जो डिविडेंड दिया सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपये का, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था एक PSU स्टॉक होने के नाते कि हाँ अच्छा खासा डिविडेंड पे कर देगा, ऑब्वियसली IPO में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिस वजह से कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में लिस्ट हुआ तो आज के डेट में लॉस में शेयर होल्डर मतलब जिनको अलॉटमेंट मिला था, जिस वजह से मैं आपको बार बार इग्नोर करने का राय दिया था। अब डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा नहीं दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा भारी भरकम क्रैश होने का चांस है मंडे या तो ट्यूजडे मतलब अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, इसके पहले भी आपको बार बार बताया था इग्नोर कीजिए शेयर को, पोजीशन बनाने की एकदम गलती मत करना आज की डेट पे। बाकी दोस्तों आपके पास अगर शेयर है मैं आपको बोलूँगा थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को रिकवर होने दीजिए, तुरंत यहाँ पे आप सेल करके निकल सकते हो। तो दोस्तों मैं इस पर नेक्स्ट अपडेट आरती इंडस्ट्री लिमिटेड, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है आरती इंडस्ट्री को लेकर कि सर लगातार शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला। मैं अच्छे से स्टडी किया आरती इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेशली अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, मतलब जैसे कि बड़े इन्वेस्टर सेल करके निकल जाते हैं वो हमें मार्च क्वार्टर में देखने को नहीं मिला, बट हाँ अभी जून क्वार्टर के भीतर अगर होता है तो डेफिनेट उसका जो अपडेट आएगा वो तो जुलाई के महीने पे आएगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते। बाकी अगर हम बात करें इंटरनल कुछ भी न्यूज़ नहीं है, ना ही बेसिक और कुछ भी कंपनी द्वारा अपलोड किया है या कुछ भी यहाँ पे अंदर मतलब कोई स्कैम वगैरह हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिलहाल अगर हम बात करें लगातार शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला। बट हाँ अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट वो बहुत ज़्यादा खराब भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि रेवेन्यू की बात करें चाहे नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे हमें कम होता हुआ भी नज़र नहीं आया, सिर्फ 2% के आसपास गिरा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिस वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो रहा है, जो कि 52 वीक्स लो भी दोस्तों लास्ट डे हमें शेयर लगा दिया। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले भी हमने देखा था जो कि ब्रोकरेज कंपनीज की तरफ से आनंद राठी की तरफ से भी यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन आया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि मार्केट आगे और गिरने का चांस है। फिलहाल उस केस में जब मार्केट गिरेगा फिर यहाँ पे जब शेयर स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ पे आप पोजीशन बनाना, बाकी आपके पास अगर शेयर है आराम से यहाँ पे होल्ड कीजिए। तो दोस्तों हमारे इसमें नेक्स्ट अपडेट है कोल इंडिया जो कि एक PSU कंपनी, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुका है आज के दिन पे। जैसे कि सबसे पहला अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा गवर्नमेंट आक्स कोल इंडिया, ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है दोस्तों, बहुत सालों बाद आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट आक्स कोल इंडिया टू बी रेडी टू इम्पोर्ट 12 मिलियन टन ऑफ कोल, जो कि इंडिया में इसके पहले बहुत कम हुआ था, आज की डेट में इतना भारी भरकम बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन पे कोल का इतना ज़्यादा क्राइसिस इंडिया के अंदर हो चुका है, जिस वजह से सरकार को भी ये स्टेप लेना पड़ा और ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो खराब चीज़ या ख़राब सिचुएशन है आज इंडिया के अंदर, जो कि कोल भी बाहर से इंपोर्ट करने की मतलब यहाँ पे टाइम में आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल इंडिया के ऊपर, यहाँ पे सेंट्रम ब्रोकिंग का बाइंग का रिकमेंडेशन आया है और जो टारगेट प्राइस दिया 250 रुपये का, अब देखिए 250 रुपये टच करें ना करें कंपनी अच्छा कंपनी है। बाकी अगर हम बात करें डिविडेंड यहाँ पे आपको सॉलिड मिल जाएगा, इतना मैं आपको बता कर रखना चाहता हूँ। देखिए कंपनी का जो डिविडेंड रेट है, आप कोई भी बैंक की FD चेक करके लीजिए, यहाँ पे FD से तो हर साल उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जैसे मिलता है FD में, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डिविडेंड के थ्रू आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों PSU स्टॉक है तो इस वजह से थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना।
तो दोस्तों मैं इसमें लास्ट एंड फाइनल अपडेट ट्राइडेंट लिमिटेड शुरू करेंगे वीडियो। उसके पहले दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि सर ट्राइडेंट लिमिटेड ASM लिस्ट की बाहर कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा ASM लिस्ट की स्टेज 1 पे कट दिया गया। अब यहाँ पे सेबी ने और कुछ दिन इसको मॉनिटर करेगा। सिंपल बात है, लगभग एक हफ्ता पहले ही इसको ASM लिस्ट की स्टेज 1 पे रखा था। अगले आप विद इन यहाँ पे पकड़ लीजिए 14 से 21 दिन के भीतर, मतलब 2 से 3 हफ्ते के भीतर दोस्तों ये बाहर आ जाएगा। अगर ऐसे ही मार्केट का कंडीशन रहा या शेयर का कंडीशन रहा ऑब्वियसली आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आ गया इसको एकदम बोल सकते हो कि जंगल में शेर को छोड़ने बाद जैसे होता है एकदम भागेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसके अंदर कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। लास्ट टाइम हमें जब तेज़ी देखने को मिला था वो था जनवरी के महीने पे, उसके बाद ही ASM लिस्ट में डाला था। और ये पूरा साल आप देख सकते हो शेयर के अंदर लगातार गिरावटी देखने को मिला। कंपनी सॉलिड कंपनी है, लगातार कंपनी बेटर परफॉर्मेंस दिया, आराम से यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। बट हाँ, अभी पोजीशन बनाने की लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर जाइए, ठीक। तो वीडियो के भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।